सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और आज फिर मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक बहुत अच्छी ड्राइंग है जिसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। और ये कई सारे मल्टी रेडिस की ड्राइंग है दोस्तों, इसको पर अपन बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा वीडियो दोस्तों, आप जो भाई सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहला पर 120 mm लंबी लाइन ले लेंगे। 120 लंबी लाइन लेने के बाद ये आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ। 120 mm की लंबी लाइन लेंगे, 120, 120 mm की लंबी लाइन ले ली। इसके बाद मैं इसके एक सर्किल एंड पर मैं R30 का एक सर्किल बना देता हूँ। यहाँ पे R30 का एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। इस सर्किल को मैं इसके मूव कर लेता हूँ इसके एंड पे, ताकि अपना जो सेंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपना ये हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे दिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 120 के बाद 20 mm थिकनेस ये है साइड से, और 5 mm ये है, और फिर R30 50 के डायमीटर से स्टार्ट कर रखी है। तो मैं इसको ऑटो कैड में 50 mm का डायमीटर ले लेता हूँ, एक बार ऑफसेट ले लेता हूँ 25x25 का। 25 mm ये 25 और ये 25, जहाँ से अपनी रेडियस स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से मैं 20 mm लंबी लाइन ये ले लेता हूँ, और यहाँ से ऑफसेट कर लेता हूँ उसको 20 mm, 20 यहाँ से ये 20, और यहाँ से दोस्तों ये डायमीटर दे रखा है अपन को 82 और 78 से। पहले मैं 82 ले लेता हूँ ऑफसेट, 41 यहाँ से, 82 ये आ गया, और ये कि 78 ऑफसेट, 39 ये 78 का ये आ गया। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक, ये मेरा आ गया। इसके बाद मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, ये ट्रिम हो गया। अब 5 mm का हमारे यहाँ से ऑफसेट है, 5 यहाँ से। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं R30 का रेडियस लगाऊंगा, तो ड्रॉ में जाऊंगा। ड्रॉ में जाने के बाद आर्क स्टार्ट एंड रेडियस, ये पॉइंट पकड़ूंगा और ये पॉइंट पकड़ लूंगा, और यहाँ पे लगा दूंगा R30। ठीक है, इस तरह से ये R30 लग गया। और यहाँ पे R3 है दोस्तों, फिलेट R3, तो यहाँ से ये रेडिस में लगा दूंगा, F एंटर R एंटर 3, ये 3 mm का अपना ये रेडिस लग गया। तो इस तरह से दोस्तों ये ड्राइंग, ये बैठा देता हूँ मैं यहाँ से, और नीचे से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ पूरे का, ताकि अपन मिरर कर लेंगे इसको पूरी कंप्लीट के लिए। ये भी ट्रिम कर देता हूँ इसकी, और ये मेरा इस, ये जब मैं मिरर कर दूंगा इसको मॉडिफाई में जाके मिरर, और यहां से पकड़ लूंगा इसको, तो अपना ये स्केच बन गया दोस्तों। स्केच बनने के बाद मैं आपको डायमेंशन भी इसकी शो करा देता हूँ। रेडियस 30 mm ये है, और इसको बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ मैं 4, ये हो गया R30। और यहां से ये भी R30 हो जाएगा इस तरह से, और ये रेडियस 3 की है,
ठीक है। और ये आगे टोटल 120 है, मतलब नंबर यहां से ये हो गया, सॉरी